एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे हो। गाइस, मैं बहुत टाइम बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ बिकॉज मेरे एग्जाम्स थे, बट नाउ आई एम बैक ऑन यूट्यूब। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना रिव्यू अबाउट नायका क्ले इट कूल मास्क के ऊपर। ऑल्सो गाइस, जस्ट इन केस यू गाइस आर वंडरिंग एंड यू गाइस आर इंटरेस्टेड टू सी हाउ आई क्रिएटेड दिस लुक, मैं इसको शेयर करने वाली हूँ अपने इंस्टाग्राम पे। सो डू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम हैंडल विच इज miss_shweta21। नीचे भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा डिटेल्स। विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड। सो गाइज, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने स्पॉट करेक्टर क्ले मास्क ही क्यों खरीदा। टोटल 7 वेरियंट्स हैं गाइज वहाँ पर। मुझे जो है स्पॉट करेक्टिंग के लिए कुछ चाहिए था, विच इज दिस वेरियंट, बिकॉज मुझे जो पिम्पल्स होते हैं उसके बाद बेसिकली जो उनके मार्क्स रह जाते हैं उनको यू नो उनके साथ डील करना इज वेरी वेरी टफ। एंड आई हैव यूज दिस ट्वाइस, इसी वजह से मैंने लेट अपलोड किया है ये वीडियो, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी जेन्युइन रिव्यू। इसकी आउटर पैकेजिंग गाइस कुछ इस तरह से ही है, काफी अच्छी खासी बॉटल है, ये प्लास्टिक की बॉटल होती है एंड इसमें फ्रंट साइड पे लिखा होता है नायका क्ले इट्स कूल मास्क एंड इसका नीचे वेरिएंट्स लिखे होते हैं। इनके हर वेरिएंट के कलर थोड़े से डिफरेंट है। इनके बैक साइड पे जहां तक की बात है गाइस, वही सब लिखा होता है कि पैराबेन फ्री है, इट इज नॉट टेस्टेड ऑन एनिमल्स, यही सब चीजें लिखी हुई है यहाँ पर। मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्राइस वगैरह, क्वांटिटी आपको जो मिलती है वो है 100 ग्राम्स। क्वांटिटी वाइज इट्स गुड, प्राइस थोड़ा सा हाई डेफिनेटली है। तो जैसे ही आप इसे ओपन करते हो गाइज, आपको इस तरह से एक लिड मिल जाती है इस पे लगी हुई, जो कि काफी सिक्योर है, काफी अच्छे से बंद हो जाता है आपका पैकेट। अगर आप ट्रैवल कर रहे हो इन क्ले मास्क के साथ, आपको बिल्कुल भी स्पिलिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये स्पिल आउट हो जाएगा प्रोडक्ट या फिर थोड़ा भी फैल जाएगा, क्योंकि कैप इटसेल्फ इज वेरी वेरी टाइट। ही आप इसे ओपन करते हैं, आपको जो है जो स्मेल आती है गाइज, एप्रिकॉट एंड आई थिंक जो ऑरेंज पील एक्सट्रैक्ट की जो स्मेल होती है उनकी मिक्स एक स्मेल आपको मिलेगी इस वेरियंट में। बहुत ही रिफ्रेशिंग स्मेल है, बहुत ज्यादा लाइट है। 2 times यूज कर चुकी हूँ ऑलरेडी, फिर भी कितनी ज्यादा क्वांटिटी है। ये पूरा फिल्ड अप होता है बिल्कुल टॉप तक। टेक्सचर गाइज, ये एक नॉर्मल फेस मास्क जैसा रिलेट आप कर पाओगे, बिल्कुल भी आपको ऐसे क्रीमी और सिंथेटिक नहीं लगेगा, जैसे जो एब्जॉर्ब भी ना हो सके इस टाइप का मटेरियल नहीं होता है। एंड गाइज, ये बहुत ही ब्यूटीफुल पीची ऑरेंज शेड में होता है ये वाला मास्क। फाइन इसमें जो है ग्रैनुल्स है, जो कि आपके जब आप रिमूव करोगे इसको तो आपको तब फील होगा। विद इन आई थिंक 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही ये जो है ड्राई होने लग जाता है, और इस पे लिखा हुआ है कि आपको 15 to 20 मिनट्स अपने फेस पे कम से कम रखना है, उसके बाद आपको नॉर्मल ल्यूकवॉर्म वाटर से जो है इसको वॉश ऑफ कर लेना है गाइज। मैंने इसको जब फर्स्ट टाइम यूज किया था गाइज, तो मैं ड्रास्टिकली कोई मुझे ऐसा इफेक्ट नहीं मिला था कि बहुत अच्छा है, बहुत ही ब्राइटेंड लुक दे दिया है, ऐसा कुछ भी नहीं था। बट डेफिनेटली गाइज, एक शुरुआत जैसी होती है एक इवन स्किन टोन की, एक ब्राइटर लुक की, मुझे वो फील हुआ गाइज, जो कि मुझे ऐसे नहीं मिलता है। सिर्फ वो होम रेमेडीज से ही मुझे फील होता था, बट ये पहली बार मैंने ऐसा फेस मास्क यूज किया है जिसमें एक्चुअली में मुझे लगा है कि कुछ करेगा ये, एक्चुअली में कुछ करेगा। फर्स्ट यूसेज में ही जब मैंने वॉश किया तो मुझे ब्राइटर लुक लगा गाइज। आई कैनॉट एक्सप्लेन दैट, इट वॉज नॉट एक्सट्रीमली फेयर और समथिंग, बट डेफिनेटली ब्राइटर लुक था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बिकॉज इसमें जो गाइज इंग्रीडियंट है, इसमें एक गोजी रूट एक्सट्रैक्ट है, जो आई थिंक मैंने नेट पे सर्च किया था, वो भी थोड़ा लाइटनिंग के लिए होता है। एंड इसमें गो टू कोला एक्सट्रैक्ट है, वो मुझे नहीं पता क्या है। इसमें गाइज लिकोरिस एक्सट्रैक्ट है, लिकोरिस लिकोराइज व्हाटएवर यू कैन कॉल इट, सो वो एक्सट्रैक्ट है। लिकोराइज पाउडर जो होता है आपको एक्चुअली में आपकी स्किन को लाइटन करने में बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा गाइज इसमें टर्मरिक एक्सट्रैक्ट है, वाइटामिन ई है। इसके अलावा इसमें मुझे जो दिख रहा है वो है स्वीट आलमंड ऑयल, ये सब मुझे इसमें जो दिख रहा है और जिनको मैं जानती हूँ। एंड ऑल्सो इसमें केओलिन क्ले है, वो आपको पता ही होना चाहिए। बेंटोनाइट भी है इसमें। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स गाइज आपकी स्किन को लाइटन करने में हेल्प करते हैं। दैट इज आई थिंक दैट इज द रीजन बिहाइंड इट कि ये आपको ब्राइटर लुक देता है। मैंने इसको 2 times यूज किया है, उसके हिसाब से गाइज आई कैन से कि डेफिनेटली वर्क करेगा क्ले मास्क। सबसे पहली चीज गाइज, जैसे ही आप इसको अपने फेस पे लगाओगे आपको जो है ये विद इन 5 मिनट्स में ड्राई हो जाएगा। डेली में यहाँ विंटर्स चल रहे हैं, स्टिल 5 मिनट्स के अंदर अंदर ही आपको ड्राईनेस ड्राई फील होने लगेगा, बट आपको जो है इसको 15 to 20 मिनट्स रखना है ताकि आप बेटर बेस्ट रिजल्ट्स मिल सकें। उसके अलावा गाइज, जब आप इसे रिमूव करते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पहली बार रिमूव करना थोड़ा सा इसको इशू हो सकता है बिकॉज ये काफी थिक है, केओलिन क्ले थोड़ी सी डेंस होती है, मुल्तानी मिट्टी जैसी नहीं होती है। तो इसको क्या होता है, आप या तो बहुत ज्यादा थिक लेयर ना लगाएं बिकॉज हटाने में फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब एटलीस्ट 3 to 4 मिनट्स लग गए थे मुझे भी, क्योंकि मैंने थोड़ी थिक लेयर लगा ली थी। तो
थोड़ी सी आपको थिन लेयर ही लगानी है, ज्यादा लगाने की जरूरत ही नहीं है। थोड़ा सा प्रोडक्ट आप लोगे, इट्स सफिशियंट फॉर योर होल फेस। जब आप इसको रिमूव करके अच्छे से मॉइस्चराइजर वगैरह लगा लेते हो, यू कैन एक्चुअली फील बहुत सॉफ्ट स्किन हो जाती है। एंड सिर्फ इसी वेरियंट के साथ नहीं गाइस, मैंने दो तीन वेरियंट्स और ट्राई किए थे स्टोर पर जाकर, वहां पर भी उनको जो मैंने लगा के हटाया है वो मैंने ज्यादा देर नहीं रखे थे, बट विद इन 5 मिनट्स की यूसेज में ही मेरी स्किन वहां से काफी सॉफ्ट हो गई थी। इसमें जो है आपको डेफिनेटली ब्राइटर लुक देता है। अगर आपकी कोई अगले दिन इवेंट है या फिर सेम डे भी इवेंट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, बिकॉज ये आपको एक ब्राइटन लुक देगा। या गाइस, दिस वाज माय रिव्यू अबाउट दीज न्यूली लॉन्च क्ले मास्क, एंड आई शैल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम वी मीट, दिस इज मी श्वेता साइनिंग ऑफ। बाय बाय।